नमस्कार ओडिया विद्यालय आपको स्वागत आसतु जानवे आज मुख्य खबर आज गुरुवार तारीख हूँ 12 मार्च 2020 आसतु जान देखु प्रथम न्यूज अच्छी पद्म धरले ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्यप्रदेश जो पॉलिटिकल टर्माइल चलती कि पॉलिटिकल असुविधा चलती दीर्घ सप्ताह है तो आप न्यूज़ शुणा पाते कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि आम कंग्रेस एमएलए तो सी तरह भी किसी मानते हाथ में जो एमएलए थे 20 जन एमएलए को लेकिन एक्चुअली से बीजेपी में जॉइन कर भी कि मोदी हाथ में आम सुरक्षित मन करुचु जीत आम टीम अच्छे 20 जन तेणु जो कमलनाथ थे चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली से रही पारे ना कहीं सपोर्ट हो पारे ना तो जो पूर्व जी थे चीफ मिनिस्टर ओके शिवराज सिंह चौहान सी पुणी एवं मुख्यमंत्री हे मध्यप्रदेश ओके कोरोना वायरस न्यूज अच्छी कोरोना आतंक सांबादिक सम्मेलन करी कोरोना वायरस संपर्क में सतर्क कराइले स्वास्थ्य सचिव जदि कोरोना वायरस कथा कहब दिनक दिन कोरोना वायरस बढ़ी चलती पुणी केरला रे रिसेंटली 13 जन आहुरी कोरोना वायरस बढ़ी चलती हाँ तेणु केरला को गोटे प्रकार क्वारेन्टाइन कराई तमें एकाकी कराई से आसीपर जापर ये टाइप 100% नुह बट कि मात्रा से सब जिन कराई आ भारत सब गोटे बड़ पदक्षेप कौन नहीं ना बाहर जो वीजा पासपोर्ट अलाउ करूला लोक को तेणु बाहर टूरिस्ट है अलग किसी कम है बिजनेस कम है यह सब जिन पूरा रोक लगेदेव ए देढ़मास पर्यंत ओके ओनली कतोटा यूनाइटेड नेशन जी आस डिप्लोमेटिक राजनीति कथा जी आसे ओनली टेस्टिंग पर ही भारत को अलाउ कराव कारण देखाई कोरोना भाईरस जेनेली फरेन कंट्री मानक अधिका हो तेणु भारत को आइसोलेसन रखापी कि एकाकी रखापी कोरोना भाईरस जिन पदक्षेप नि परवर्त न्यूज जमीजमा विवाद को नहीं युवक उन्मक्त कांड टांगिया हाणीदे गोटे पर माँ बापा और भाई भी देखो दिनक दिन ये नृशंस कथ बढ़ी चलती तेणु आम समाज में जाना दरकार लीगल सिस्टम को जाना दरकार ओके यू जिन न होके आम प्रार्थना कर नेक्स्ट परवर्त न्यूज विशृंखला आचरण प्रदर्शन कर संसद निलंबित होता कंग्रेस 7 जन विधायक निलंबन आदेश हटिला ओके रिसेंटली किदिन पूर्व जो बिहेव ठीक नक पार्लियामेंट रे स्पीकर अच्छा ओम बिरला सस्पेंड कर देते बट से रि मानते डकाई जाते परवर्त न्यूज जारी है बीजेडी राज्यसभा प्रार्थी संपत्ति तालिका सुजित कुमार सबुठ धनी ममता सबुठ गरीब देख जेतेले जी एमपी हो एमएलए हो नॉमिनेशन फॉर्म भर एक्चुअली प्रॉपर्टी लिस्ट कौन अच्छी केतर प्रॉपर्टी अच्छी टंकार देखा पड़े तेणु एवं राज्यसभा इलेक्शन हम ओडिशा जो मानक पठाब तर संपत्ति तालिका देखा से सुजित कुमार अच्छा अधिक पैसा ममता सबुठ गरीब अच्छा ओके तो नेक्स्ट न्यूज राजधानी भुवनेश्वर विपर्जय आईन श्रृंखला बीच रास्तार महिला तले पक आक्रमण यही भिडटा आप बोधे बहुत भाइराल होता कल देखिपारे ये सब जिन के न हो महिला सुरक्षा किसी दिन है वुमेन्स डे जा तेणु से यू जिन आखि आग रखी जदि नारी बीच रास्ता पर टा घुछरा कर मार पिटा तो कौटी ना कौटी पुलिस बाला सन्देह खड़ा कर ओडिशा को कोरोना भय विधानसभा बायोमेट्रिक उपस्थापना मना बायोमेट्रिक कहीं हाथ लगे पड़ो आज जन आस पीछे हाथ लगे तापर डोर खोली जाए आप भितर जावा पड़ो तेणु हाथ द्वारा ही कोरोना भाईरस अधिका होेणु बायोमेट्रिक एवं बंद कर दिया विधानसभा ओके तो ओनली आटेडेन्स टाइप लेखा हे तो जिते कोरोना कमिजी आपको पुणी रिइंट्रोड्यूस कराह परवर्त न्यूज बनक लगी नीति अपराह्न 4 to 8 पर्यंत बंद रहे महाप्रभु साधारण दर्शन तेणु यू टाइम देखिपारे अलग टाइम जगन्नाथ दर्शन करवर्त न्यूज महाप्रभु टंका सुरक्षित भाव फेरी आसो बीजेडी सांसद मान प्रतिश्रुति दे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देखो येस बैंक जो बर्तमान क्राइसीस चलती घोटालार चलती अलरेडी आरबीआई अलरेडी प्रूफ कर सारे कि जो ईडी थे राणा कपूर अलरेडी आरेस्ट अच्छे से 16 ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर जेरा कर रखी तेणु जगन्नाथ पैसा जहाँ भी था 500 crore पाखापाखी तो से सब जिन सुरक्षित भाव में फेरी आसो ट्रस्ट को पुणी से किसी प्रॉब्लम हम ना बट खाता धारक जी भी अच्छा पैसा मिल आरबीआई कही सारी कहीं जो येस बैंक को एक्चुअली एसबीआई नापी प्लानिंग करसबीआई भी किसी जिनस लसेस आड़ गला परवर्त न्यूज पानी रे बोड़ी दुई नाबालिका छात्री मृत्यु तेणु एक्चुअली होली दिन भी विभिन्न प्रकार न्यूज एमती आसला एवं पुणी आसूँ तेणु जी भी पहरा शिखिनी दयाकर सी यू समुद्र कि झरणा फरणा जगह जाए पचर कहीं रहा सपोर्टिंग परवर्त न्यूज येस बैंक ताती महाप्रभु टंका खाइला किए विरोधी नारे कंपिला गृह तीन टा जाए मुलतवी सरकार को जेनेल टार्गेट कर सरकार जाणीशुणी सब जिनको जगन्नाथ टंका को हरई
ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୁନି ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ କହିଲେ। ଓକେ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଚାରି ପ୍ରାର୍ଥୀ, କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ହେବ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍, ସେଇଥିରେ ଚାରି ଜଣ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଭରିଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ପୁଣି 14 ଯାଏ ବର୍ଷାରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, 11 ଜିଲ୍ଲାର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ପୁଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି 14 ତାରିଖ ଯାଏ ବର୍ଷା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହୋଇଛି। ଓକେ, ହୋଲିରେ କରୋନା ଭୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ହାତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜେନେରାଲି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲାଗେ ନା ବ୍ୟାପେ, କାହିଁକିନା ହାତରେ ଆମେ ଲଗାଉ ଆଖି ପାଟି ନାକ କାନ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରୁ ବାରମ୍ବାର, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅପରିଷ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡୋର ଖୋଲୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଧରୁ, ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ଧରୁ, କବାଟ ଖୋଲୁ, ତ ସେଇ ହାତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାପେ। ସେଥିପାଇଁ ହୋଲିକୁ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଏକଲେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଡ଼ରେ ରଙ୍ଗ ମାରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପତନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପତନ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ଯେବେଠୁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ କିଣିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାହିଁକିନା ସେ ଡୁବି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ 2400 କୋଟିର ତା ସେୟାରକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛି। ଯେବେଠୁ ସିଏ ତା ସେୟାର କିଣିଛି, ସେବେଠୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସେୟାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଜାତି ଯାଇଛି, ଯିଏ ଲସ୍ ହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ ଯଦି ଇଏ କିଣୁଛି ଆର ଲସ୍ ହେବ, ତେଣୁ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ ଯିଏ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲା ସିଏ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ ବିକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛିଟା ଲସେସ୍ ଏବେ ସୋ କରୁଛି। ବଟ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା କୁହାହେବ, ଭାରତ ଓନ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓନ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କିଛି ହେବ ଇଏ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ, ତ ପରେ ଇଏ ନର୍ମାଲ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏକ ନମ୍ବର ଧନୀରୁ ଖସିଲେ ମୁକେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ କଥା କହୁନି, ଏସିଆରେ ଏକ ନମ୍ବର ଧନୀ ଥିଲେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ତ ବାହାର ଯେଉଁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ତେଲର ରେଟ୍ ବହୁତ କମିଛି, କାରଣ ରଷିଆ ଆଉ ସାଉଦି ଆରବ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ କହିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ୱାର୍ ଚାଲିଛି, ବେପାରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ରିଫାଇନାରୀ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ, ତାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ମାତ୍ରା ଲସ୍ ହୋଇଛି, ସେଇ ଲସ୍ କାରଣରୁ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ 10 ନମ୍ବର ନା 1 ନମ୍ବର ଧନୀ ଥିଲା ଏସିଆରେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ କମିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କରୋନା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରବ୍ଲେମଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ସମୟ ଆସିବା ଏଇ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ପାଣିପାଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି 34 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର, ବଟ୍ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ହସ କଥା ଲାଷ୍ଟରେ, ପୁଅ କହୁଛି, ବୋଉ ତୁ ଆଜି ବି କଲରା ଭଜା କରିଛୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବି। ବାପା, ଏଇ ଶୁଣୁଛ ମୋ ଚପଲଟା ଆଣିଲ? ପୁଅ, ଥାଉ ବାପା, ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚପଲ ଆଣିବାକୁ କୁହନି, ମୁଁ ଏ ଭଜା ଖାଇନେବି। ବାପା, ଆରେ ବୋକାଟା କିରେ, ଚାଲ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା। ଏଥିସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ କିଟ୍ ରଖୁଛି, ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।